मेरे खुदा और प्यार और समा चाहता हूँ मेरे खुदा आराधना कर मैं पूरे आराधना तेरी मन से करूँगा करूंगा तू मेरा खुदा तू मेरा खुदा तू मेरा खुदा तू मेरा प्यार और सम चाहता हूँ मेरे खुदा और प्यार और सम चाहता हूँ मेरे खुदा आराधना कर मैं दिल से करूँगा आराधना तेरी तेरी सामर से करूंगा तू मेरा खुदा तू मेरा खुदा तू मेरा खुदा तू मेरा प्रेज द लॉर्ड. गुड मॉर्निंग. जय मसीह की. कैसे हैं आप लोग? हाउ आर ऑल ऑफ यू? अच्छे हैं. आर यू फाइन? क्या आनंद मना रहे? Are you worshiping? Are you joyful? हमारी प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं. My God is supply all my needs. वो अद्भुत परमेश्वर. He is amazing God. उसकी महिमा, वो महिमा की योग्य. He is full of, He is worthy of glory. आई एम प्रार्थना करें पास्टर सेलिना में प्रार्थना. Shall we pray? Heavenly Father, in the name of Jesus. स्वर्ग पिता, हम आपके चरणों में आते हैं. It's time for this beautiful day. ये अच्छी वक्त के लिए, अच्छी दिन के लिए धन्यवाद. You're there in our midst. We thank you. आप हमारे बीच में, इसलिए धन्यवाद. And you're doing great things. हमारे बीच में बड़े-बड़े कार्य कर रहे. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु. For every good thing that you have done in our life, we are so grateful to you. जो आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए, धन्यवाद यीशु. Touch every person who is watching us today. हर वो व्यक्ति को छू दे प्रभु जी. Bless जो आपको them, दे, उन्हें तू आशीष कर. Meet every need of their heart. उनकी जरूरतों को तू पूरा कर. Talk to them today. उनसे बातें कर. And draw them to you. और उन्हें आपके पास लेके. Let your kingdom come. आपकी राज्य आए. Let your will be done. आपकी इच्छा पूरा हो. As is done in heaven. जिस तरह स्वर्ग में होता है. Holy Spirit. पवित्र आत्मा. Thank for leading and guiding us today. आज हमें अगुवाई कर पवित्र. स्पीकिंग योर वर्ड विद बोल्डनेस एंड पावर. और तेरे वचन सामर्थ्य और शक्ति के साथ. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. वी गिव यू ऑल द ग्लोरी. सारी महिमा तुझे देता हूँ. इन जीसस नेम वी प्रे. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. आमेन. और सबने कहा आमेन. आमेन. कितने लोग सुन रहे हैं? हाउ मेनी आर लिसनिंग? क्या वचन लेके आए हैं? जल्दी जाइए, वचन लेके आइए, नोटबुक लेके आइए, लिख के लीजिए. टेक द बाइबल, टेक द नोटबुक एंड राइट डाउन व्हाट इज सेड. वचन बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ड इज सो इंपॉर्टेंट. निर्गमन 28 उसका 2 और 4. टुडे वी आर रीडिंग टू डोनमी 28. निर्गमन द एक्सोडस 28:2-4. तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र. Thou shalt make holy garments for Aaron, thy brother, for glory and for beauty. चारवा वाक्य, जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं. These are the garments which they shall make. अर्थित, सिनाबंद. A breastplate. एफोद. An ephod. बाग. And robe. चारखाने का अंगरख. A broidered coat. पगड़ी. A mitre. A कमरबंद. And a girdle. यही पवित्र वस्त्र मेरे भाई हारून. And they shall make holy garments for Aaron. उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए. And thy brother and his son. वे मेरे लिए याजक का काम करें. He may minister unto me in the priest office.
सोने और नीले और बेगानी और लाल रंग का सूक्ष्म सनी का कपड़ा लिया। They shall take gold and blue and purple and scarlet and fine linen. फिलिपियों 1 उसका 3 और 4। Philippians 1, 2 and 3. फिलिपियो एक मिला। Did you get it? मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, I thank my God in every remembrance of you. तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, I thank my God. जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ, always in every prayer of mine, सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, for you all making requests with joy, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक fellowship in the gospel from the first day until सुसमाचार में फैलाने में मेरे सहभागी रहे हैं, until now, मुझे इस बात का भरोसा है, being confident of this very thing, जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, eat that which has begun a good work in you, जिसने आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। He'll perform it until the day of Jesus Christ. उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं। Even as it is meet for me to think this of you all. क्योंकि तुम मेरे मन में आप बसे हो। Because I have you in my heart. और मेरे कैदी में सुसमाचार के लिए in asmachas both in my bonds उत्तर और प्रमाण देने के तुम सब मेरे साथ affirmation of the gospel अनुग्रह में सहभागी हो। You're all partakers of my grace. Hallelujah. Hallelujah. आज हम देखेंगे याजक के वस्त्र मसीह में। Today we're going to learn about the robe of a priest. पिछले हम दिन देखे याजक कैसे प्रभु के लिए मसीहा के लिए अलग किया गया। Yesterday we saw how the priest was kept separate for God. हम और आप मसीहा के लिए हम दुनिया से अलग किया गया है। We are made separate for God. हम दुनिया के लिए हम परमेश्वर के लिए। We are not for the world. We are for God. इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूँ। Therefore, Apostle Paul says, I am dead to sin, alive to God. इसलिए रोमियो की किताब उसका 1:12 में लिखा है, तुम दुनिया के सदृश मत बनो। Therefore, Romans 12:2 says, "Do not be conformed to this world." क्योंकि हम प्रभु परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। Because we have been kept separate by God. हाँ, जोर से बोलो, मैं यीशु के लिए अलग किया गया है। Say with me, I have been made separate for God. अब मेरा जीवन सिर्फ यीशु मसीह के लिए है। Now my life is only for God. मेरा रहना, खाना, पीना, काम करना, बिजनेस करना, परिवार चलाना, सब कुछ यीशु मसीह के लिए है। My staying, my eating, food, drinking, everything is for Jesus. आज हम देखेंगे याजक के वस्त्र मसीहा में। Today we'll hear about the garments of a priest in Christ Jesus. Priestly apparel in Christ. The priestly apparel in Christ Jesus. Amen. वस्त्र कितना important है? The apparels are so important. 28 निर्गमन को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर की याजक को स्पेशल गारमेंट बनाए गए थे। When we read Exodus 28, we saw how special garments were made for the priest. Amen. याजक कौन है? याजक हम और आप। Who is a priest? You and me. पुराने नियम में इस्राएली लोग के बीच में आरोन और उसके बेटे याजक लोग थे। In the Old Testament, the priests were Aaron and his sons. परमेश्वर की याजक लोग को परमेश्वर वस्त्र पहनाया है। God would wear apparels and garments for his priest. उसी तरह हम और आप मसीह में वस्त्र पहनाए गए हैं। In the similar manner, you and I are made garments. Ephesians 3 उसका 27. Let's read Ephesians 3:27. मिला? Did you get it? Not official, right? बपतिस्मा लेके वो कौन सा वचन है? Jesus. When you take baptism, it is we wear apples. You can just tell.
गलातियो 3:27 Let's read Galatians 2:27 26 से पढ़ेंगे क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. जो मसीह यीशु पर परमेश्वर की संतान है. By faith in Christ Jesus. हम जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर हम यीशु मसीह की संतान हो जाते हैं. When we put our faith in Christ Jesus, we become the children of God. क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? Do you believe in Jesus Christ? यीशु मसीह पे विश्वास करने से क्रिश्चियन नहीं बनता पर यीशु मसीह का संतान यानी कि परमेश्वर का बेटा और बेटी होता है. Just by believing Jesus Christ, you do not become a Christian, but you are becoming sons and daughters of Jesus Christ. कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह बोलने से क्रिश्चियन का परमिशन नहीं हो. Many people think that Christian means it is a Christian religion. वो हम सब का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जिंदा खुदा एक ही परमेश्वर है उसका नाम है यीशु मसीह. Yes, he is a living God. He is a God of everyone, and his name is Jesus Christ. तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान For you are all the children of God by faith in Jesus Christ. आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते पर आज हमारी द्वारा आप सुन रहे हैं आप यीशु मसीह को प्रभु बोलेंगे आज विश्वास करेंगे आप परमेश्वर का संतान आज से हो जाएंगे. Maybe till now you don't know Jesus Christ. Today if you believe, you will become the son of it and daughter of the Most High God. 27 वाक्य तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है. Verse 27, as many as you have been baptized into Christ, have put on Christ. Amen. Amen. मसीह को पहन लिया है. We have put on Christ. कौन मसीह को पहन सकता है जो पहले विश्वास करते हैं? Who can put on Christ? The one who has believed in Jesus. जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे लिए आया मारा गया दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा आज मेरा यीशु जिंदा है वो जल्द मेघों पे आता है जो विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान होता है उसी के लिए बपतिस्मा रखा Those who believe in Jesus Christ that Jesus Christ and believe it that Jesus Christ died and was buried and rose up on third day he can be baptized बपतिस्मा मतलब डुबाना यीशु मसीह में डूबना Baptism means to dip in the water fully immerse in the water okay बपतिस्मा बहुत जरूरी है Baptism is very important. बपतिस्मा परंपरा नहीं है. Baptism is not a tradition. बपतिस्मा क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं करते. Baptism is not to make you a Christian. बपतिस्मा हम इसलिए लेते हैं कि हम यीशु मसीह में एक होते हैं. We take baptism for this reason that we become one with Jesus Christ. आज जो बपतिस्मा लेते हैं उधर लिखा है क्या है? जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है. It's written here, as many as if you have been baptized into Christ, have put on Christ. Amen. Amen. इसलिए आप बपतिस्मा नहीं लिया, आप बपतिस्मा लो क्योंकि वो बहुत important है. Maybe you have not taken baptism until now. Please take baptism. It's very, very important. नाम भर के लिए विश्वासी मत बनो. Don't be a believer just for a name. शैतान आपकी धुलाई करेगा. Satan will harm you. आधा आधा सच्चाई ये है कि कोई सच्चाई नहीं. If you believe in half truth, there's no truth at all. आधा सच्चाई आपको बचाएगा ही नहीं. Half truth is not going to save you. पूरा सच्चाई आपको बचाएगा. But in the full truth will. पूरा सच्चाई ये क्या है कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करने का, आप उद्धार पाने का, आपको उद्धार करता हो जाते हैं यीशु मसीह, फिर बपतिस्मा के द्वारा आप यीशु मसीह को पहन लेते हैं. The full truth is that you believe in Jesus Christ, take baptism. Then you become his child. अब ना कोई यहूदी रहा यूनानी रहा कोई दास ना स्वतंत्र ना कोई नर और नारी क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो. Now there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male or female, for you are all one in Christ Jesus. हम सब विश्वासी जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं हम सब एक है क्योंकि हम सब उसके शरीर के अंग हैं. All of us who believe, we are one in Christ Jesus because we believe. हम उस यीशु मसीह की शरीर के भाग है बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस और उस शरीर का सर है यीशु मसीह एंड द हेड ऑफ दैट बॉडी इज जीसस क्राइस्ट आपका सर सही है तो आपका सारा शरीर के अंग सही रहेगा इफ योर हेड इज राइट देन योर एंटायर पार्ट ऑफ योर बॉडी विल बी राइट आरोन हाईएस्ट प्रीस्ट है इसराइली में परमेश्वर के सामने आरोन वाज अ हाई प्रीस्ट
in the time of Israel. आपको मालूम है अरुण के लिए परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरत वस्त्र बनाया गया है. Do you know that Aaron was made a beautiful apparel and garment? वस्त्र एक व्यक्ति अभी जनरल्स रहते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर लोग आप देखे मार्च पास में वो लोग वस्त्र पहना रहते हैं क्यों पहनते हैं वो. Do you know that during the march pass, the borders of the police forces, special forces, अलग-अलग dress रहते हैं. They wear different kinds of dresses, वो uniforms. वो dress उनकी अधिकार को अभी ट्रैफिक पुलिस है व्हाइट और पीला पीला पैंट शर्ट पहने क्यों पहने. Look at the traffic police. He wears white and blue. Why? वो वस्त्र उनके ऊपर वो अधिकार को दर्शाता है. The uniform or the apparel shows their position. अगर एक ट्रैफिक पुलिस बिना वस्त्र कैजुअल ड्रेस में आकर हाथ दिखाए तो कोई रुकने वाला नहीं. If a traffic police wears any casual dress and comes and stands there, nobody is going to obey. पर वो ट्रैफिक पुलिस के वस्त्र पहनकर हाथ दिखाए तो even मंत्री को भी रोकना पड़ेगा. If the traffic police wears his uniform and comes there, this apparel. Then even the prime minister, the ministers will stop for it. Amen. Amen. क्योंकि वो वस्त्र उसकी अधिकार को दर्शाता है. Because his uniform shows his authority. Amen. Amen. उस वस्त्र को precious stone से खूबसूरत value वाले चीजों से बनाया गया. That apparel was filled with lot of precious valuable stones. 28 उसका 3 में लिखा है. निर्गमन 28:3 जितनों के हृदय में बुद्धि है जिनको मैंने बुद्धि देने वाले आत्मा से परिपूर्ण किया उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक के काम करने के लिए पवित्र बने. कुछ लोगों को परमेश्वर ठहराया था ताकि आरोन का ड्रेस याजक की ड्रेस वो बनाए. Some people were appointed just to make the Aaron's garments. उनको परमेश्वर बुद्धि दिया था कि वो ऐसा टाइप वस्त्र बनाए. God gave them special wisdom to make a spirit of wisdom to make Aaron's garments. और उधर क्या लिखा है चौथा वाक्य को पढ़ेंगे जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं. These are the garments which they shall make for Aaron. पहला First, सीना बंद a breastplate. दूसरा एफोद और बाग. Second, an ephod and a robe. एफोद और बाग. चरखाने और अंगरख. A broidered coat and a mitre. पगड़ी. And a mitre. और कमरबंद. And a girdle. यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसकी पुत्री के लिए बनाया जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें. They shall make holy garments for Aaron, thy brother and his son, that he may minister unto me in the priest's office. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? Praise the Lord. ये वस्त्र आरोन और उसको बेटा को दिया गया ताकि वे आदर और डिग्नी के साथ परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए खड़ा रहे. These apparels were given to Aaron and his priest to stand with dignity before the people. Amen. Amen. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? वस्त्र कितना important है? Apparels and garments are so important. Hallelujah. Hallelujah. वो ये क्या दर्शाता है? What does it symbolizes? जो वस्त्र बनाने के योग्य अर्थित छीनाबंद. What is छीनाबंद? हमें परमेश्वर क्या दिया हथियार दिया कितने लोगों को याद है मैं कितने बार सिखाया. You all know that God has given us armor of God. How many know that I had spoken about this? क्या दिया है परमेश्वर हमें? First thing he had given us the armor. कितने लोगों को मालूम है? How many of you know it? Where is that verse? Ephesians 6. Ephesians 6 उसका 10 से पढ़ेंगे. We'll read Ephesians 6:10 onwards. Ephesians 6. आज हम वस्त्र के बारे में सीख रहे हैं. We were talking about the garments. कितना important है वस्त्र. It's so important to have a garment. मैंने बोला जब आप बपतिस्मा लेता है तो आप मसीह को पहन लेते हैं.
I said that when you take baptism, you wear Christ, you put on Christ. यीशु मसीह को पहन लेते हैं। आप पहले विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को पहन लेते हैं। First you believe in Jesus Christ, then you put on Christ. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव बलवंत बनो। Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. परमेश्वर की सारी हथियार को बांधो। Put on the whole armor of God. Amen. Amen. ये जो वस्त्र को दर्शाता है, उधर हम पढ़े क्या पढ़े? एक First of all, सीनाबंद, there's written the breastplate of righteousness, ephod, और बाग, निर्गमन 28:4. We are reading Exodus 28:4. Ephod, a robe, embroidered tunic, turban, and a sash. Breastplate, ephod. A robe, a broidered coat, a mitre, and a girdle. हम जब 14वां वाक्य देखते हैं तो When we come to Ephesians 6, हम हथियार को देखते हैं. Ephesians 6, 14. कितने connected है प्रभु की वचन. See how the words are so connected. सत्य से अपने कमर को कस लो. Stand therefore having your loins girded about with truth. उधर एक है. कौन सा है? Breastplate righteousness. No. कमरबंद, देखो उसमें लिखा है कमर सास सास SASH, that is कमरबंद. Breastplate of the belt of truth. Okay. दूसरा क्या है? The right breastplate of righteousness. पांव में मेल और सुसमाचार की तैयार की जूते पहन लो. विश्वास की ढाल रखो. The shield of faith. विश्वास की ढाल रखो. Shield of faith. उद्धार की टोप पगड़ी. The helmet of salvation. आत्मा की तलवार. देखो ये जो इधर लिखा गया है, ये सब हथियार के बारे में बताया गया. Whatever written about the garments is also the armor. याजक को हथियार पहनाया गया. The priests were wearing the armor. जब लोग लड़ने जाते हैं तो क्या देते हैं उसके हाथों में? हथियार. When people go to fight, what do they give in their hands? Hallelujah. Weapons. इसलिए वो वस्त्र, देखो शैतान को परमेश्वर ने खुला खुला तमाशा किया. We see how अधिकारों God को has made an open public spectacle. कोलोसियों 2:15 में लिखे अधिकारियों को उसकी प्रधानताओं को उतार कर उन्हें खुला खुला तमाशा किया. Colossians 2:15 says that God has made an open public spectacle having disarmed all authorities and powers. शैतान की सारी अधिकार को छीनकर उसके हथियार को छीनकर उसे निहत्ता कर दिया. God has taken all the weapons of Satan and made him without any weapons. पर हमें सर से लेके पांव तक हथियार से बांध दिया ताकि हम उस पर विजय हो. But we have been given weapons from the crown of head to soles of feet that we may be victorious. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर हमें लीडरशिप की अधिकार दिया. God has given a position of leadership. हर बात जो वस्त्र में है वो एक लीडरशिप की बात कहता है. Everything which is there in the garment talks about a leadership. New creation. That we are a new creation. जो प्रभु यीशु मसीह में वो नया सृष्टि है. Those who are in Christ Jesus are a new creation. Amen. जब आप इन बातों को ध्यान से पढ़ेंगे, मसीह में आपकी आंखें खुल जाएगी. When you read this carefully, your eyes will be opened in Christ Jesus. Amen. जब आपकी आंखें मसीह में खुल जाएंगे, आप आशीष पाने लगेंगे. When your eyes are opened in Christ Jesus, you'll be blessed. Amen. Effort. Effort. उसे अलग अलग कलर से बनाया गया, ब्लू पर्पल रेड डेकोरेटेड विद गोल्ड. The effort was made with different colors. निर्गमन 28 उसके 9 से 12. Let's see Exodus 28:9-12. फिर जो सुलेमानी मणि लेकर उन पर इसराइल के पुत्रों का नाम खुदवाना. Thou shalt take 2 onyx stones and grave on them the names of the children of Israel. Onyx stones, both precious stones, both costly stones. These onyx stones are very precious stones. और उनके नामों में से 6 एक मणि पर और से 6 नाम दूसरे मणि पर इसराइल के पुत्रों के उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना. 6 of the names on one stone, other 6 names of the rest of the other stones according to their birth. 12 गोत्रों का नाम खुदवाना.
the 12 tribes of Israel shall be engraved. 11th verse, mani khodwane wale ka kaam ke saman. Verse 11, with the work of an engraver in stone. Jaise chapa khoda jata hai. Like the engraving of a signet. Vaise hi un do maniyo par Israel ke putron ka naam khodwana. Shall thou engrave the two stones. Aur unke sone ke khano mein jadwa dena. Thou shalt set them in ouches of gold. Aur dono maniyo ko ephod ke kandhon par lagana. And thou shalt put the two stones upon the shoulders of their foot. Israelon ka smaran dilwane wale mani the stones of memorial and the children of Israel. Arthit Harun unke Harun uske naam Yehovah ke aage apne dono kandhon par smaran ke liye lagaya rahe. And Aaron shall bear their names before the Lord upon the two shoulders for a memorial. Amen. Amen. Unki kandhon par Parmeshwar zimmedari di hai. God has given responsibility upon their shoulders. Yajak ki zimmedari di hai. The responsibility of a priest. Logon ka zimmedari lekar wo prabhu ke samne upasthit hote hain. They take the responsibility of the people and stand before God. Parmeshwar aur logon ke beech mein. They stand between God and man, a mediator. Usi tarah prabhu humare aapko zimmedari rakha hai. In the similar manner God has given us a responsibility. Parmeshwar ke logon ko parmeshwar ke samne pesh karna. To present God's people before God. हम परमेश्वर के लोगों को जो प्रभु को नहीं जानता उनके बारे में उनके उनको परमेश्वर के सामने पेश करने का है. The people we present them before God. ताकि हम प्रार्थना के द्वारा उनके लिए मध्यस्थ करें. So through prayer we can intercede for them. Amen. कितने लोग मध्यस्थ करेंगे? हर विश्वासी मध्यस्थ करने का. Every believer should intercede. कल भी हमने बोला था. I spoke about this yesterday. खाली अपने लिए प्रार्थना मत करो. Don't just pray for yourself. अपनी घर वाले जो उद्धार नहीं पाए आपके द्वारा आपका सारा घराना आपकी सारी जाति उद्धार पाएंगे. Through you, your entire family and your tribe should get salvation. Amen. Amen. क्या प्रार्थना करेंगे? Will you pray? प्रभु आपको उस घर में रखा है. God has kept you in that house. प्रभु आपको उस जाति से चुना है. God has brought you out of that tribe. ताकि वो लोग यीशु को जाने. They may know Jesus Christ. Ephesians 6 उसके 18. Let's read Ephesians 6, 18. हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो. Praying with all prayers and supplication in the spirit. इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो. And watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो. All time with all prayers and supplications you have to pray in the spirit. विनती करते रहो. Make supplication. आप और हम प्रार्थना और विनती करने के लिए. We should pray and make supplication. अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए. We must pray in tongues. अमेन. इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो. Watching therefore with all perseverance and supplication for all saints. उनका नाम. Their names. पत्थरों में. Were engraved in the stones. Onyx stone, precious stone, costly stone से लिखा गया. Onyx stones are very precious and costly stones. In that the names were engraved. परमेश्वर के संत परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है. God's children are so important for God. आप और हम प्रभु के लिए महत्वपूर्ण हैं. You and I are very important for God. हमारा जिंदगी बेकार नहीं है. Our life is not waste. हमारा जीवन खुद के लिए हम खुद के लिए आशीष है हजारों के लिए आशीष बनेंगे. Our life is important for us and we are important for thousands of people. परमेश्वर के लिए बहुत ही महान है हम. We are very significant for God. परमेश्वर के लिए परमेश्वर की आंखों के सामने हम खूबसूरत है उत्तम है श्रेष्ठ है. We are very beautiful and wonderful and great in the eyes of God. पॉल अपने कलीसिया में परमेश्वर की महिमा को देखते थे. Paul would see the beauty of his church. कलीसिया को पॉल क्या कैसे देखते थे? महिमा के मुकुट की तरह देखते थे. How is he seeing the church, Paul, as his crown of glory? पहला तस्सलोनीकियों 2 उसका 19. 1 Thessalonians 2:19. Mila? Did you get it? Bala hamari asha. For what is our hope? या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग.
क्या है? What is it? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के समक्ष उसके आने के समय तुम ही ना होगा? Are you not even you with the presence of the Lord Jesus Christ that is coming? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही में है. You are our glory and joy. परमेश्वर की प्रेरित कहता है कलीसिया को. क्या कहता है कलीसिया को? Apostle Paul is saying to हमारे बड़ाई और आनंद तुम ही हो. You are our glory and honor. आप परमेश्वर की महिमा है. We are his glory. Hallelujah. Hallelujah. स्पेशली तौर से पांच तरह की सेवकाई प्रभु कलीसिया के लिए रखा है. God has kept fivefold ministry for the church. कलीसिया में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है. Every person is important in the church. Amen. Amen. स्पेशली प्रभु के दास लोग सेवक लोग अपनी कलीसिया को हर रोज प्रार्थना में याद करिए. अपनी हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिए. Especially when you pray for the God's service. हर विश्वासी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए. We are believers. We must pray for one another. हम परमेश्वर की शरीर है. We are the body of Jesus Christ. जितना हम प्रार्थना को intensify करेंगे, बढ़ाएंगे, the way we pray and increase it, उतना आप परमेश्वर के लिए वैल्यू बढ़ेगा. That much you are valuable for God. Amen. आपका वैल्यू प्रार्थना के द्वारा बढ़ता है. Our value will increase through prayer. मैंने बोला आपका शरीर बढ़ना बंद करेगा. I said there will be a limit for the growth of your body, physical body. आत्मा निरंतर बढ़ता जाएगा. But his spirit will always increase. उसका कोई सीमा नहीं. There's no limit for the growth of your spirit. Because you are a spirit being. Amen. आत्मा की कोई लिमिट नहीं. वो कभी बढ़ना बंद नहीं हो. There's no limit for the growth of the spirit. आपके ऊपर है. आप जितना प्रार्थना करेंगे. It depends on you how much you're going to यीशु pray. यीशु मसीह स्वर्ग में मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं. Do you know Jesus interceding for you in the heavens? आप और हम धरती में मध्यस्थ प्रार्थना करने. We are sitting in this earth and praying. आपका दोस्त लोग उद्धार पाने का है. That your friends will know salvation. आपके रिश्तेदार उद्धार पाने का है. That your relatives will know salvation. आपके पड़ोसी लोग उद्धार पाने का है. Your neighbor should know salvation. मनुष्य के बनाए हुए निर्णय पर आप मर चुका है. You are dead to the opinions of people. ये डिविशन, रेसिज्म, ये अलगपन, ये डिनोमिनेशन, ये हमें बचाएगा नहीं. This denomination divisions are not going to save us. परमेश्वर के लिए खड़ा रहो. We have to stand for Jesus Christ. हम परमेश्वर में एक है. We are one in Jesus Christ. जो व्यक्ति यीशु को जानते हैं, यीशु को नहीं जानते, उनको उठाओ. Those people who don't know Jesus Christ, lift them up. प्रेरितों के काम 15 उसके 18 19 8 और 9. Let's read Acts विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके एंड पुटिंग नो डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम. शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा. Purifying the heart by faith, putting no difference between us. जब प्रभु को भेद नहीं तो हमको क्यों भेद होंगे? When God does not put any difference, why should we put a difference? हमें दूसरे भाई और बहनों को जैसा परमेश्वर देखता हमको देखने का. We must treat others as Christ treats us. मसीह के परिवार को हर व्यक्ति को हमें उठाने का. We have to lift up every person in the family of God. पहला कोरिन्थियों 3 उसका 3 से 4. 1 Corinthians 3 3 and 4. क्योंकि अब तक शारीरिक हो. For you're not carnal. इसलिए कि जब तक तुम डा और झगड़ा तो झगड़ा है. Where there's among you envying and strife. तो क्या तुम शारीरिक नहीं? And divisions are you not carnal? क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? And you walk as men. क्योंकि जब तक कहता है. While one saith, मैं पौलुस हूँ. I am of Paul. और दूसरा कहता है मैं अपोलोस हूँ. And another say I am of Apollos. क्या तुम मनुष्य नहीं? Are you not carnal? हमको एकता में जीने का है. We have to live in unity. कोई difference नहीं. There shouldn't be no difference. कोई denomination नहीं. No denomination. जो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलता उनको उठाओ. Going behind Jesus, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वस्त्र पहनाया. Because God has put the garments upon. परमेश्वर ने उस व्यक्ति पर बहुमूल्य कीमत दिया है. God has given a importance and value for them. Amen. हर व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, हमारे लिए एक समान होना चाहिए. Every person, they may be king, they may be any small, they may be poor, we must treat them the same. प्रभु के राज्य में कोई difference नहीं.
In the kingdom of God, there's no difference. प्रभु किसी की तरफदारी नहीं करता. God will never make difference. वो सबसे एक समान प्रेम करता है. He loves everyone the वो same. वो सबके लिए अपना जान दिया. He has given his life for everyone. वो सबके लिए आज जिंदा है, मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे पिता के सामने बैठकर. Jesus alive making prayers for everyone. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. जो पीड़ित है उनको मदद कर. Those who are in trouble, help them. जो बोझ में उनकी उनको प्रभु में लेके आओ. Those who are in intentions, bring them to Jesus. इसलिए प्रभु का वचन के ये बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आ, मैं तुझे शांति और आराम दूंगा. Therefore Jesus says, come to me all you heavy burden, I will give you rest. हर परमेश्वर के दास अपने कलीसिया में होने वाले हर व्यक्ति के लिए दिन रात प्रार्थना करने का. The servant of God should pray for every person in their church. Amen. कोई भेद के बिना. Without any difference. हर व्यक्ति आपके लिए समान है. Everyone should be same before. एक आत्मा प्रभु के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो आत्मा आपके लिए भी महत्वपूर्ण है. If one soul is important for God, it is or should be important for you. Philippians 1 verse 3. Philippians chapter 1 verse 3. मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, Whenever I remember you, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. I thank my God. हमें एक दूसरे को याद करके निरंतर धन्यवाद करना. We must thank God remembering each other. प्रभु जी फलाना परिवार को तू आशीष कर. Lord bless such and such a person. वो परिवार प्रभु जी तू ने आशीष कर. This family bless them Lord. वो परिवार को देख के हर रोज धन्यवाद करें. Think about the family and thank God for it. हम भले ही सबको नाम से नहीं जानते, हमारे कलीसिया में आने वाला हर व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं. Maybe we don't know everyone in the church, but should always thank God for every person. और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ. When you pray for anyone. क्या लिखा है? जब कभी मैं तुमके लिए विनती करता हूँ, सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ. Always in my prayer of you, for you, I'm making request with joy. हमें आनंद के साथ विनती करो. With joy we must pray for everyone. जिस तरह आप अपने लिए मांगता, आप दूसरों के लिए, दूसरे भाई और बहनों के लिए मांगते. Just like you would pray for yourself, you must pray for other people. आप जिस तरह प्रभु से मांगते हैं, अपने लिए उसी तरह दूसरे भाइयों के लिए मांगे. Just like would pray for yourself, you pray for others. इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे. Because you were partnered with me to share the gospel. प्रेरित पौलुस उसकी सारी कलीसिया के लोगों को पत्र लिख के धन्यवाद कह रहे हैं. Say Apostle Paul is writing to different churches and encouraging them. वो कलीसिया बढ़ने के कारण सारे लोग ने भागीदार हुआ. The growth of the church was everyone took part in. कलीसिया में आने वाला हर व्यक्ति भागीदार होने का. कैसे मैं कलीसिया को बढ़ाऊं? Every person in the church should participate. And say, how can I increase my church? मुझे इस बात की भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा. Being confident of this very thing, that he that began a good work in you will perform it till the day of Jesus. आज मैं बोलने आया हूँ, प्रभु आपके जीवन में आरंभ किया कुछ अच्छे काम. I came to tell you that God has started some good work in you. अब वो आप प्रभु में बने रहेंगे तो वो अच्छा काम, बहुत बड़े काम आपके जीवन में प्रभु करने वाले. If you remain in Christ Jesus, that big work will do. You will do extraordinary work. निराश मत हो. Do not be discouraged. हुए वाले परिस्थिति को देखो मत. Don't look at those situations which has passed away. आप छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे, आपको प्रभु बड़े बड़े कार्य करने दे. If you ignore small little things, God will give you big mighty things. प्रभु जो आप में आरंभ किया वो पक्का अद्भुत तौर से वो पूरा भी करेगा. The God who began the good works in you will surely complete it. क्या विश्वास करेंगे? Do you believe it? क्या प्रभु में बने रहेंगे? Will you be in Christ Jesus? Amen. Amen. Exodus 28 उसका 21. Let's read Exodus 28:21. इस्राएल के पुत्रों के जितने नाम हैं, the names of the children of Israel, उनके मणि हो, the stone shall be with them, अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार, according to their names, 12 नाम खोदे, the engraving of signet, 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसा खोदे, that they will engrave the 12 tribes on the engraving of a signet, जब खोदा जाता है, everyone, amen. Amen. प्रभु ने हमें ब्रेस्टप्लेट दिया है. God has given us breastplate. लोगों को शोल्डर में लेके चलने का है.
We have take people in our shoulders. उन्हें अपने दिल में रख के उनके लिए प्रार्थना करें. We will keep them in our hearts and pray for them. हमें परमेश्वर के सामने उन्हें रखने का है. We will keep them before God. वो दर्शाता है कि हम कितना उनके लिए ख्याल करते हैं. It shows how much we care for them. क्या आप अपने जो आपसे जुड़े उनके लिए ख्याल करते हैं? The people who are joined with you, do you care for them? हमारा मतलब नहीं है. हमारा खुदगर्ज नहीं है. We should not be for selfish life. Amen. हमारे selfish attitude को निकाल. We have to remove our selfish attitude. जब हम दूसरों के लिए जिएगा, परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करेगा. When we live for others, God will fulfill our needs. फिलिप्पियों 1:7 में लिखा है, उचित है कि तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करो. Philippians 1:7 say this is the way I think about all of you. Amen. क्योंकि तुम मेरे मन में आप बसे हो. Because I have you in my heart. मेरी कैदी में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने के तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो. You are all partakers of my grace in my bonds and in the defense. Amen. Amen. प्रेरित लोग कलीसिया को अपने दिल में लेके चलते थे. The apostles would carry the people in their heart. वो माँबाप बनकर उन कलीसियाओं को संभालते थे. They would become father and mother and take care of the church. Amen. Amen. आप पास्टर हैं, आप कलीसिया की पिता हैं. You are a pastor. You are the father of the church. पिता जैसा एक घर में चलाते हैं, उसी तरह आत्मिक पिताओं के आप कलीसिया को चलाते हैं. Just like a father takes care of the family. You as a spiritual father should take care of the church. Amen. Amen. आत्मिक पिता होकर कलीसिया की सारी बातों में आप इन्वॉल्व करो. प्रभु की अभिषेक और पवित्र आत्मा में प्रभु आपको अगुवाई करे. As a spiritual father get involved in the everything of the church, God will bless you. 1 Corinthians 4 उसका 14 और 15. We will read 1 Corinthians 4 14 और 15. 14 and 15. मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं ये बात नहीं कहता. I write not this thing to shame you. परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिल्लाता हूँ. But as my beloved son, I warn you. क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारा सिखाने वाला 10,000 भी होते, though you have 10,000 instructors in Christ, तो भी तुम्हारा पिता बहुत नहीं. Yet you have not many fathers. इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो. Therefore I beseech you be followers of me. Amen. Amen. जो पास्टर लोग कहते हैं कलीसिया उसे सुने, ताकि वो परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया है. Those what the pastors say, we must listen because God has given him authority. 1 Thessalonians 2:7. 1 Thessalonians 2:7. देखो मैं अपनी मन से नहीं, जो वचन है वही बता रहा हूँ. I'm not saying from my mind, but what is given the word, I'm showing it to you. मुझे जो पसंद है वो नहीं, जो प्रभु पसंद करता वही बोलता हूँ. I don't say what I like, but I say what God, what pleases God. 1 Thessalonians 2:7. 1 Thessalonians 2:7. परंतु जिस तरह माता अपने बालक का और पालन पोषण करते हैं, even as a nurse nourishes her children, वैसे हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई. We were gentle among you. हालेलुया. ग्यारहवां वाक्य, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, you know how we exhort and comfort and charge, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करता हूँ, शांति देता हूँ, समझाता हूँ. Charge everyone as a father does his children. उसी तरह हम उपदेश देते, समझाते, ज्ञान देते, सुबह उठ के 7 बजे आते, ताकि हमारी हर कलीसिया के लोग आशीष पाए. Every day morning we get up, we instruct you, we counsel you, we teach you. So early morning 7 we come just so that every person church will be blessed. हमारे जीवन का जिम्मेदारी परमेश्वर दिया कि कलीसिया में आने वाला हर व्यक्ति, God has given us responsibility that every person in the church, हर व्यक्ति जो हमें सुनता है वो आशीष पाए. That every person who sees us, वो जीवन में उन्नति पाए. They will be prospering. वो बरकत पाए. They'll be hallelujah. इसलिए प्रभु हमें जिम्मेदारी ठहराया है. Therefore, God has given us responsibilities. हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करता हूँ. We are praying for you always. कलीसिया के लिए प्रार्थना करने का. We pray for the church always. मध्यस्थ प्रार्थना करने का. We must intercede. परेशान लोग हमारे बीच में उद्धार पाए, छुटकारा पाए और प्रभु की महिमा करें. The people who are troubled will find salvation and be in the church and glorify God. निर्गमन 28 उसकी 17-20. Exodus 28:20. 28 उसकी 17-20.
Exodus 28:17. उसमें चार पंक्तियां मणि जड़ाना. Those are certain settings of stones. पहले पंक्ति में दो मणियां पद लाल कीड़ा होना, लाल घी होना. Even four rows of stone, the first row shall be sardius. कैसे वो सजा के रखते हैं. See how they are planted. कितना important है परमेश्वर के लिए. It is so important for God, every stone. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे? How many of you are listening to me? आप याजक बनकर प्रभु के लिए बड़े कार्य करने का. You as a priest should do great things for God. यीशु मसीह महायाजक बनकर सारी दुनिया की उद्धारकर्ता बना. Jesus, the high priest, became salvation for many people. 12 चेलों को चुना, 12 चेलों को साथ लेके चला 3.5 साल तक. He appointed 12 apostles and he took them along with him. वो प्रार्थना सिखाया. Taught them to pray. चिन्ह चमत्कार उनके सामने दिखाए. Gave them signs, wonders and miracles. और यीशु बोला मैं जाने के बाद मुझसे बढ़कर तुम लोग करोगे. Jesus said, when I go, you do greater works than this. वही परमेश्वर मेरे और आपके अंदर है. The same God is with you and me. वही मध्यस्थ करने की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है. The same power to intercede for others. जब निरंतर मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे. Will you intercede for others? Romans 8:27. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है. Likewise, the Spirit makes intercession for us. क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए. We know not what we should pray. परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर make intercession for us जो बाहर से बारा है, बाहर cannot be uttered. हमारे लिए विनती करता है. Prays for us. और मनों को जांचने वाला जानता है. He that searches the heart knoweth. आत्मा का मानसा क्या है? What is the mind of the spirit? क्योंकि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है. He makes intercession for the saints according to the will of God. Hallelujah. Hallelujah. हमारे अंदर वही आत्मा है. We are the same spirit. जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया. That raised up Jesus Christ from the dead. यीशु मसीह को मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए अगुवा करते हैं. That guides. To make intercession for everyone. उसी तरह हमको भी निरंतर प्रार्थना में मध्यस्थ प्रार्थना करना चाहिए. Therefore, in the same manner, we should also intercede every day. आप अपने लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें. You should always intercede for your people. जिस मोहल्ला में प्रभु आपको रखा है, वो लोगों के लिए, उनको देखकर, उनका नाम लेकर प्रार्थना करेगा, प्रभु उन सारी लोगों को उद्धार करेंगे, बचाएंगे. In the neighborhood where God has kept you, you must look at them and pray for them, and God will bless you. परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर से release होना मांगता. There should be a release of the Spirit from you. क्या प्रार्थना करेंगे? Will you pray? Hallelujah. Hallelujah. जैसे यीशु मसीह ने सबको ले चला. Just as Jesus took everyone. उसके जीवन के द्वारा. Through his life. उसकी प्रार्थना के द्वारा. Through his prayer. Hallelujah. Hallelujah. आप अपने आप को समर्पण करेंगे मसीह के लिए. Will you submit yourself for God? ताकि आप दूसरों के लिए इंटरसीडर बने. That you will be an interceder for everyone. Hallelujah. Hallelujah. अपने आप से, अपने आप पर तरस खाना छोड़ो. Stop self-pitying yourself. परमेश्वर के लिए कार्य करो. Work for God. आपके दिल में burning desire हो कि आत्मा बचे. You should have a burning desire to save souls. आप उनके लिए प्रार्थना करिए. That you will pray for them. आप निरंतर प्रार्थना करेगा, प्रभु कार्य करेगा. You always pray for them and God will work in you. जिन शहरों में बेदारी आया, वो शहर के लोग जो प्रभु में था, प्रभु के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगा. Every city where there was a revival, there were people getting down their knees and crying and praying. जब परमेश्वर को आपके अंदर से आप रिलीज करेंगे. When you release God from within कैसे you. कैसे करेंगे? जब आप प्रार्थना के द्वारा. How will you release God through prayer? आपका जीवन प्रार्थना जीवन होना चाहिए. Your life should be a life of prayer. Amen. Amen. जितना प्रार्थना करेगा उतना प्रभावित होगा. The way you pray, you will be very effective. जितना प्रार्थना करेगा आपके जीवन के हर जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा. The way you pray, God will fulfill all your needs. एक वचन को पढ़ के मैं जल्दी खत्म करूं. पहला तिमोथी 2 उसका 1 और 2. I'm going to read one more verse and I will end it. 1 Timothy. पहला तिमोथी 2 उसका 1 और 2. 2 verse 1 and 2. मिला? Did you get it? कई बार मैं इस वचन को पढ़ा हूँ. I've read this many times. अब मैं
सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ I exhort you therefore कि विनती और प्रार्थना निवेदन First of all supplication prayer intercession धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए thanks be made for सब all मनुष्यों men. के लिए किया जाए be made for all men राजाओं सब ऊंचे पद वालों for के kings लिए and for all that इसलिए कि हम विश्राम that we may lead a और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं यह हमारे उद्धार करता परमेश्वर को अच्छा लगता है आपके द्वारा परमेश्वर को अच्छा लगने का है Do you want to please God? आप सबके लिए प्रार्थना करें You must pray for everyone. अधिकारों के लिए प्रार्थना करें Pray for authorities. देखिए जो सुबह हम 7 बजे से 8 बजे प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर को अच्छा लगता है The prayer that we make from morning 7 to 8, God likes अब वो उसको भाता है It pleases God. जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो God desires that everyone should be saved. परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग उद्धार पाए God decides that all people should be saved. सत्य की भली भांति पहचान ले. Understand the perfect will सब of लोग God. यीशु मसीह को कैसे पहचानेंगे? How will you save people? कैसे लोग उद्धार पाएंगे? How will people get saved? जब आप प्रार्थना करेंगे. When you pray. हमारा पहला कदम है प्रार्थना करना. Our first step is prayer. आप जिन जिन के नाम लिख के प्रार्थना करेगा वही लोग को प्रभु आपके पास लेके आएगा The people who make a list and pray, these are the people God will bring to you. जिन जिन देश के लिए आप प्रार्थना करें, उस देश में आप जाकर प्रचार करेंगे। The countries whom you pray for, you will go one day and preach there. इसलिए इंडिया के हर स्टेट को अपनी जगह, अपने घर में मैप डाल के प्रार्थना करो, प्रभु आपके इंडिया के हर क्षेत्र में लेके जाएगा। You take the map of India and pray for every states of India. One day God will take you there. क्या हम प्रार्थना करेंगे? Will we pray? क्या हम तैयार हैं? Are we ready? प्रभु ने हमें वस्त्र पहनाया है. God has put a robe on us. कितना महत्वपूर्ण है. It's so important. हमारा अंधकार में था. We were in darkness. यूसुफ के समान. Like Joseph. उसका पिताजी ने उसे मल्टी कलर कोट दिया. God his father gifted him with a multicolor coat. उसी तरह परमेश्वर ने हमें मल्टी कलर कोट दिया. In the similar manner God has given us a multicolored coat. जो सबको नहीं मिलता. God everyone doesn't get it. मुझे मिला है. We have got it. प्रभु मुझे अधिकार दिया है. God has given me authority. क्या हम उस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे? Will we use it? आई हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे. Shall we pray? पास्टर सेलिन हमें अगुवाई करें. Shall we pray? खड़ा बारा बारा बारा. Wasn't that a wonderful word? क्या अद्भुत वचन था? Which apostle shared with us? प्रेरित ने हमें सिखाया. Truly God is amazing. सच में परमेश्वर अद्भुत है He has planned everything so beautifully for us. वो कितनी महत्वपूर्ण तौर से हमारे लिए योजना बनाए। We won't be thinking all these details. इन इन गहराई वाले बातों को हम कभी सोचेंगे भी नहीं। But God thinks everything for us in detail. आप परमेश्वर हमारे लिए गहराई के बात सोचता है। We learn Exodus 28:2-4. और निर्गमन के 28 उसका 2 और 4. How God has made garments for us. कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए वस्त्र बनाए Do you know when you become born again? जब आप उद्धार पाते हैं and get baptized, और बपतिस्मा लेते हैं God puts a garment on you. आपके ऊपर एक वस्त्र आ गया with different kinds of stones. और वो वस्त्र पूरा मूल्य पत्थरों से बनाया गया and with names written there. और उसमें नाम लिखा गया है Just like God made for Aaron and his sons the garments. और जिस तरह Aaron और उसके बेटे के लिए वो वस्त्र बनाए. God has put on us garments. और परमेश्वर हमारे ऊपर वस्त्र डाला, पहनाया. The word of God says, when the day we got baptized. और जिस दिन हम बपतिस्मा लिए. We put on Christ. और हम यीशु मसीह को पहन लिया. Shall we pray? आइए प्रार्थना करें. Recognize this garment. इस वस्त्र को हम पहचाने. That we put on Christ. ताकि हम यीशु मसीह को पहन लिया है एंड वेयर एवर क्राइस्ट इज आज जहाँ पर यीशु मसीह है देयर इज फेवर उधर उसकी तारीफ है देयर इज पावर उधर उसकी सामर्थ्य है देयर इज ब्लेसिंग्स उधर आशीष है शैल वी प्रे आइए प्रार्थना करें हेवनली फादर स्वर्गीय पिता थैंक यू फॉर योर गारमेंट्स यू हैव पुट ऑन अस धन्यवाद यीशु आपने हम पर वो वस्त्र पहनाए द डे वी गॉट बैप्टाइज्ड जिस दिन हम उद्धार पाए बपतिस्मा लिए यू पुट ऑन वी पुट ऑन क्राइस्ट हम यीशु मसीह को पहन लिए नाउ पीपल डोंट सी अस अब लोग हमें नहीं देखेंगे प्रभु जी बट दे सी क्राइस्ट इन अस और मसीह यीशु हम में देखेंगे एंड क्राइस्ट इन अस इज होप ऑफ ग्लोरी मसीह मुझ में आशा की महिमा है प्रभु जी थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु वी हैव फेवर विद एवरीवन हमारी हर व्यक्ति से तारीफ है प्रभु जी वी अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी हम बढ़ोतरी को अट्रैक्ट करते हैं प्रभु जी वी अट्रैक्ट
blessings. आशीष को हम खींचते हैं प्रभु जी. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you for your special garment you put on us. धन्यवाद तेरे मूल्य वस्त्र को तूने पहना दिया हमें. And give you all the glory. सारी महिमा तुझे देता. In Jesus name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. Second thing about garment. दूसरी बात वस्त्र के बारे में. We learn that just like the police officer's uniform. जिस तरह पुलिस ऑफिसर का यूनिफॉर्म है, ट्रैफिक पुलिस यूनिफॉर्म, ट्रैफिक पुलिस के जो वस्त्र है, कम्स विद अथॉरिटी, वो अधिकार के साथ आते हैं. जस्ट बाय स्टैंडिंग देयर, और जब वो खड़ा रहता है, एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिज अथॉरिटी, और उसकी अधिकार को सब लोग पहचानते हैं. सो गॉड हैज गिवन अस अथॉरिटी. उसी तरह परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया इन द स्पिरिट वर्ल्ड, आत्मिक दुनिया में. व्हेन द डीमंस एंड द इविल स्पिरिट सीज अस, और जब दुष्ट आत्माएं और शैतान हमें देखता है, they see authority over us. वो हमारे ऊपर अधिकार को देखता है. And they fear us. अब वो हमसे डरते हैं. So they see Jesus Christ in us. क्योंकि वो यीशु मसीह को हमारे अंदर देखते हैं. Therefore we can cast out demons. इसलिए हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं. We can do deliverance work. हम छुटकारा दे सकते हैं. We can do mighty miracles take place to us. हमारे द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं. Because we put on Christ. क्योंकि हम यीशु मसीह को पहन लिए हैं. And we have authority. और हमें अधिकार है. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. Heavenly Father. स्वर्ग पिता. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम. We thank you for the garments of authority. और धन्यवाद तेरे वस्त्र की अधिकार तूने दिया. And you give Luke 10:19 says. और लूका 10:19 में लिखा. You give us authority. और आपने हमें अधिकार दिए हैं. To trample over serpents and scorpions. और सांपों को बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार. Over every power of the enemy. सारी दुष्टता की अंत करने के लिए. Nothing by any means can harm us. कोई भी मुझे छू नहीं सकता, चोट नहीं पहुंचा सकता. We give you glory. हम सारी महिमा तुझे देते हैं. The power and authority. और सामर्थ्य और अधिकार के. In heaven and earth is given unto us. स्वर्ग और धरती में हमें दिया. धन्यवाद. And we'll continue to do your work, O God. हम तेरी महिमा और तेरे काम करेंगे प्रभु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. In Jesus name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Hallelujah, amen. Hallelujah. Finally, God's as the garments. और हम देखते हैं कि वस्त्र. God has taken all the weapons of Satan. और दुष्ट शैतान की सारी हथियार को ले लिया. He has disarmed all authorities and powers. और सारी अधिकार को शैतान का छीन लिया. And made an open public spectacle of them. और खुला खुला उसकी तमाशा किया. Colossians 2:15 says. कोलोसियों 2 उसका 15 कहता है. Ephesians 6 says. एफिसियों 1 6 कहता है. He has put on weapons for us. और उसने हमें हथियार दिया. From the crown of our head to the soles of our feet, we are सर full के of बाल से लेके पांव के नखूनों तक हम हथियार बंद हैं. Divine weapons. और स्वर्गीय सामर्थ्य और हथियार है. For attacking the enemy. शत्रु शैतान को हराने के लिए. For defending ourselves. और अपने आप को सुरक्षा में रखने के लिए. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. We have the breastplate of righteousness. और हमारे पास breastplate है नीतिमत्ता का. We have the helmet of salvation. टोप है उद्धार का. We girdle our waist with the belt of truth. कमर को हम सत्य से कस लेते हैं. We have the gospel of peace on our feet. हमारे पांव में शांति का सुसमाचार है. And we have the shield of faith to defend ourselves. और हमारे छाती पर विश्वास की, हमारे दिलों में विश्वास है. We have that shield of faith. और विश्वास के ढाल है. To quench the dart of Satan. और शैतान की सारी कण को नष्ट करने के लिए. And we have the sword of spirit. और तलवार है वचन का. So we can cut the devil with the word of God. और परमेश्वर की वचन से उस दुष्ट शैतान को नाश कर सकते हैं. What a wonderful gift God has given. कितना अद्भुत परमेश्वर ने हमें वचन दिया है. Hallelujah. Hallelujah. So don't be afraid. We have the armor of God. इसलिए डरो मत. हमारे पास परमेश्वर की हथियार. Put on the armor of God. हथियार को पहन लो. That you may withstand the temptation of the devil. ताकि शैतान की हर परीक्षा पर विजय पाए. Let us pray. आइए प्रार्थना करें. Heavenly Father. स्वर्ग पिता. Thank you for the armor of life. धन्यवाद प्रभु जी हमारे हथियारों की. We wear the armor of God. हम हथियार को बांध लेता है. Just like you made garments for Aaron. और जिस तरह आपने आरोन के लिए वस्त्र पहनाए. You have taken care of every detail of our life. हमारी जीवन के हर क्षेत्र पर आपने पूरी तौर से हमें कब्जा ले लिया. In the spiritual warfare of life. आत्मिक युद्ध में प्रभु जी. You have given us special equipments and armors, O God. हमारी जीवन में हथियार दिया. धन्यवाद यीशु. You have made us more than a conqueror in you. आप विजेता भी से भी बढ़कर हमें बनाया आप में प्रभु जी. धन्यवाद.
Thank you, God. धन्यवाद. We are not ignorant of Satan's devices. शैतान की चालों से हम वाकिफ है परमेश्वर. Thank you, Lord. With you, we can do all things through Christ who strengthens us. यीशु मसीह आपके द्वारा मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ. Thank you. We are on the victory side. हम वो विजेता के पास में. Jesus is our captain. यीशु मसीह हमारा कैप्टन है. Thank you for every viewers who are watching us. सारी लोग जो हमें देखते हैं उन्हें हम आशीष करें, protect them. उन्हें आशीष कर और सुरक्षा कर. We bind the spirit of depression. सारी डिप्रेशन के दुष्ट आत्मा को cast it out of their life. और उनके जीवन से उखाड़ देता हूँ. Let your peace that passes all understanding guard over their heart and mind. दिल और मनों को प्रभु जी शांति से भर दे. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. Now apostle lead us further in prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे आखिरी प्रार्थना जैसे हम करते हैं. कोरोना वायरस नष्ट हो जाए पूरी तरह से इंडिया से और वर्ल्ड से. We pray like the final prayer that we make all the coronavirus to end in Jesus' name. सरकार के लिए हम प्रार्थना करेंगे. We pray for our government. चर्चेस के लिए हम प्रार्थना करेंगे. Pray for our churches. इंडिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे. Pray for India. स्वर्ग पिता धन्यवाद. Every father we thank you. अच्छी वक्त के लिए. For this wonderful time. आज के वचन के लिए. Thank you for this beautiful word. आपने हमें वस्त्र पहना है. You put us the garments. सब कुछ हमारे लिए किया है. You have done everything for us. हमें सिर्फ उसे पाने का है. We have to only receive it. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. हमें आपके संतान बना. You made us your children. आप हमारा डैडी है. You are our father. हर रोज हम आप पे अपने भरोसा रखते हैं. Every day we put our trust upon आप हमें कभी छोड़ेगा नहीं. You never leave us nor forsake us. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. सारा कोरोना वायरस को नष्ट कर. Bind the spirit of coronavirus. इंडिया आजादी पाए. Let India be world free. आजादी पाए. Let the world be free. हर वो व्यक्ति affected है प्रभु जी. All who are affected. उन्हें छू कर चंगा कर. Touch and heal them right now. सत्य उसे आजाद सरकारों को तेरे हाथ में गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट को और मोदी गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर्स को For all the chief ministers, सारे doctors और nurses, we pray for doctors and nurses. सारे hospitals for all the hospitals, NGOs के लिए for the serving NGOs. हर रोज के सैलरी लेने वाले को प्रभु जी, pray for daily wages people. उनके जीवन को तू कार्य कर. Lord, work in their life. जरूरतों को तू पूरा कर. Lord, meet every need of them. में तेरी महिमा प्रकट होने. Let your glory be revealed. इंडिया के लिए प्रार्थना कर. We pray for India. जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक. जम्मू टू कन्याकुमारी. वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात तक. वेस्ट बंगाल टू गुजरात. हर एक व्यक्ति एवरी पर्सन यीशु को जाने. हर एक घुटना टेकेगा. एवरी नी शल बाउ. हर एक जुबानगी का. एवरी टंग कन्फेस. यीशु प्रभु है. दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड. यीशु होने दे. थैंक यू लॉर्ड. लेट इट हैपन. हमारी सरकारों को तेरे हाथ में दे. गिव आवर गवर्नमेंट टू योर हैंड्स. चीफ मिनिस्टर्स को तेरे हाथ में. चीफ मिनिस्टर्स. प्रभु जी कलीसियाओं को तेरे हाथ में दे. वी गिव आवर चर्चेस इन योर हैंड्स. हर वो कलीसिया को तू आशीष दे. ब्लेस ऑल चर्चेस. पास्टर्स लोग को प्रेम से भर दे प्रभु. फिल ऑल द पास्टर्स विद लव. कितना मनोहर है भाई लोग जब एक साथ रहते हैं. हाउ प्लेजेंट इज व्हेन ब्रदर्स आर इन यूनिटी. वी आर ऑल ऑफ वन किंगडम. हम उस राज्य में लड़ने वाला नहीं. वी आर नॉट गोइंग टू फाइट. प्रेम और शांति और एकता से. वी वर्क विद पीस यूनिटी एंड वनेस. हर व्यक्ति को हम उठाएंगे. वी लिफ्ट अप एवरीवन. हर पास्टर को हम उठाएंगे. वी लिफ्ट अप ऑल पास्टर्स. पास्टर परिवार को तू आशीष कर. Bless all the उनके बच्चों को तू आशीष कर. Bless their family. Bless their children. महिमा तुझे देता. We give you glory. यीशु ही प्रभु है. Jesus is Lord. यीशु ही मसीह है. Jesus is Savior. यीशु के नाम से मांगता हूँ. In Jesus' name we pray. Hear an answer. और सबने कहा. And everyone said. Amen. Amen. कितने लोग हमारे साथ प्रार्थना की. How many of you prayed with us? आपको प्रभु बहुत आशीष कर. God is going to bless you abundantly. आपको नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं. You don't know what you're doing. पर एक बात मैं जानता हूँ. One thing I know. मैं विश्वास की आंखों से देख रहा हूँ. I see with eyes of faith. प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करता है. God is going to do amazing things. आने वाला दिन आपके जीवन में बड़े-बड़े कार्य प्रभु करेगा. The coming days God will do mighty things. आप गवाह बनेंगे. You will be a witness. छोटी-छोटी बातों में गवाह बनेगा जब बड़ी-बड़ी बातें प्रभु गवाही के तौर से आपको दे. हर रोज सुबह 7-8 बजे आते हैं. Every morning we come from 7-8. Come with us. मिलके प्रार्थना करेंगे. Together we'll pray. ये 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 समय को. This time. एक मूवमेंट के तौर से. It's a movement. प्रभु इंडिया में बेदारी लेने लाने के लिए मदद करें. This movement will bring revival in India. मैं चाहता हूँ कि इस चैनल का नाम डालें. I desire that the name should put for this channel. आप हमें मदद करें. You help us. कमेंट दीजिए आप ये चैनल को ये नाम दीजिए. You can comment that we will put this. हम प्रार्थना के साथ चुनाव करेंगे. Yes, you can comment and we will try to put that name. वही नहीं आने वाला दिन हम जो संदेश देते हैं उसके सवाल पूछेंगे. The whatever we give. जो भी हम सिखाते हैं. Whatever we teach. उसी दिन हम तीन सवाल पूछेंगे. We'll ask three
questions जो व्यक्ति उत्तर देगा उन्हें कैश अवार्ड देंगे. Those who give the answer will get a cash award. तीन क्वेश्चन रहेंगे. There'll be three questions. जो अंत तक बैठेगा तीन क्वेश्चन का सवाल देंगे. Till the end, if you sit and you will give three questions. तीनों सही रहेगा. If three questions are correct. हम उसी समय कैश अवार्ड देंगे. We'll give them cash award. हम चाहते हैं कि आप उन्नति पाएं. We desire that you will वचन be encouraged. वचन की गहराई में जाएं. You will come into the depth of the word. हमें if you are ready with हर रोज. Us. Every day. आप भी देखिए आप भी आशीष पाइए. You also get blessed. आपकी दोस्त लोग को भी भेजिए. You send share your करिए. Send your friends. पिता परमेश्वर का प्रेम. Now the love of God. यीशु मसीह की अनुग्रह. The grace of the Lord Jesus पवित्र Christ. आत्मा की सौभाग्य. The fellowship of the Holy Spirit. यीशु मसीह के बादलों में आने तक Till the coming of Jesus in बने रहे be with us. और सबने कहा Everyone said, आमें. आमें. बोला यीशु मसीह की